हमारा आ गया ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट इसको बोलते हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। गाइस पहुंच गए हम बंटोल, तो अभी अपना यहाँ पे कटवाते हैं टोल, पहले टनल का व्यू दिखाते हैं। सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो घर से निकलते कुछ दूर चलते ही मैंने सोचा कि व्लॉग किया जाए, क्योंकि आज हम कहीं जा रहे हैं थोड़ा चक्कर शक्कर लगाने ट्रिप पे एक दिन के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और जो फ्रेंड्स हमारे साथ आ रहे हैं उनको पिक करते हैं और निकलते हैं। लोकेशन मैं वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा, बट टाइटल में डाल दूंगा अगर जब वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको चल ही जाएगा पता, बट अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ। वहाँ पे आपको पहुँचा के ही खुद पहुँच के आपको दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं रहता है। तो चलो चलते हैं। तो गाइस ये वाले भाई हैं जो हमारा साथ देंगे इस हमारे व्लॉग में और इस ट्रिप पे। तो एक इनके हम प्री प्रमोशन कर देते हैं, यहाँ पे अल्ट्राटेक का सीमेंट मिलता है, ये अल्ट्राटेक के मालिक हैं ये। तो किसी ने भी सीमेंट लेना हो मेरा नाम लेने पे डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो चलो इस भाई को पिक करते हैं, तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो जी भाई को कर लिया पिक हमने और भाई हमारे साथ है। क्या हाल है, कह रहे क्या हाल है बता दो क्या हाल है। तो रेडी हो फिर आप? हाँ भाई चलो चलते हैं। अभी लोकेशन नहीं बताई इनको मैंने, चलो जब लोकेशन वहाँ पहुँच के हम आपको बताएंगे कहाँ पे हैं हम। तो चलो अब निकलते हैं, ठीक है। तो गाइस इस भाई के बाद एक और हमारी फ्रेंड है, वो देखो दूर से ही ऑर्डर चल रहे हैं इसके। मैं कुछ नहीं कर सकता, आपस की बात है। इनकी लड़ाई लग गई है, अभी ट्रिप के स्टार्ट होते ही लड़ाई लग गई है। पीछे चल। हाँ भाई पीछे चल, पता है क्यों? कैमरा मैन मेरी है। हाँ, चल तू हब्बू है चल। तो इसको व्लॉग हम बनवाएंगे इससे, उनकी अच्छी फोटोग्राफर है। तो आगे हमारे बंदे बाकी वाले हैं जो दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं, तो लेट्स गो। अब दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या रहता है, तो चलते हैं अब। इसको फोन हैंड ओवर करने से पहले एक चीज हमारी रह गई है, जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। तो अब हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। ट्रिप क्या मतलब, आज जाना है कल वापस आ जाना है? चलो कोई ना, जो भी है ट्रिप ही ट्रिप होती है, ठीक है। ट्रिप ही ट्रिप। तो चलो चलते हैं, हम बाकी दिखाते हैं क्या क्या रहता है आगे। बाय बाय। पहुंच गए हम बंटोल, तो अभी अपना यहाँ पे कटवाते हैं टोल। जाइए काट लिए तो बस अब आ गएंगी टनल्स, तो आप व्यू चेक करो यहाँ का। हम शीशे बंद करते हैं गाड़ी के, तो आपको पहले टनल का व्यू दिखाते हैं, बाकी हम सारा टाइम लैप्स में ले जाएंगे क्योंकि अभी हमने दूर जाना है, मंजिल दूर है, तो ब्लॉग लंबा बन जाता है फिर, तो फिर बोर हो जाते हैं बाकी लोग सारे। चलो फिर ये हमारी स्टार्टिंग की छोटी टनल है, तो एक जो एंड वाली है वो काफ़ी लंबी है, की वजह से ना काफी रास्ता सस्ता हो गया, मतलब सॉरी कम हो गया। सॉरी गाइस थोड़ा सस्ता नहीं, मैं ज्यादा ही महंगा हो गया, पीछे टोल कट गया मेरा, पता नहीं कितना कटा। फादर साहब को मैसेज आ गया होगा, तो बाकी अब आपको टाइम लैप्स पे दिखाते हैं सारा। तो गाइस हम पहुंच गए अपने एक अड्डे पे जहाँ पे हम मोस्टली आते रहते खाने के लिए। सो अभी हमने सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ है, तो ये बंदे अपने ही लगे हैं बकचोदी करने। तो मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही नहीं आ गई उनकी, बिकॉज ये हाईवे है पीछे सारा। तो यहाँ पे अभी हम खाना शाना खाते हैं, देखते हैं फिर क्या रहता है आगे। और यहाँ से मेरे को नहीं पता कितना किलोमीटर दूर है वो जगह, क्योंकि अभी हमें मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, ये भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो ये हमारी गाड़ी और पीछे हमारे वो वैष्णो देवी के पहाड़। तो लेट्स गो इनसाइड एंड कुछ ऑर्डर करते हैं अच्छा खाने के लिए, फिर खाते हैं और निकलते हैं, क्योंकि वहाँ की इंस्ट्रक्शन थी कुछ हैवी खा के आना, कुछ हैवी खाते हैं। तो चलो चलते हैं। तो ये भूखे लोग पहले ही पहुँच चुके हैं। तो गाइस क्या खाएंगे आप? आलू का पराठा और चाय। और आप? आलू का पराठा और चाय। तो मैं भी आलू का पराठा और चाय। और उनको बोलना है दो ऑर्डर दिया, दो फिर ऑर्डर जाके दो भैया।
बेइज्जती हो गई है इस इनकी सुबह सुबह ही, क्या कर रहे यार। हमारा आ गया ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट इसको बोलते हैं। ये परांठे हैं और साथ में छोले हैं, तो साथ में हमारी चाय है। वही चाय ख़त्म भी होगी मुझे लग रहा है, कोई ठुंगा मार चुका पहले। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसे रहता है। पहले ये टेस्ट करेंगे, ये टेस्ट करें आप बताइए कैसा है ये, और आप भी टेस्ट करो। आप टेस्ट करो। है तो ज़्यादा सेम ही, पर हर बंदे का अलग अलग टेस्ट होता है। देखते हैं किसका ज़्यादा अच्छा निकलता है। मैंने स्क्रिप्टेड है वैसे ये। माए ये नहीं यार, ये माए मेरी वीडियो ख़राब कर गया गाइस। तो जी खाना खाना खा लिया, तो डिस्काउंट भी मिल गया हमें 10 रुपीज़ का, जो कि हम उसके चिप्स लेंगे 10 रुपये वाले। तो बस बैठ गए, ये पहले ही बैठ जाते हैं, इनको थकान ज़्यादा जल्दी होती है, तो हम भी चलते हैं। अब टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं हम भी, तो चलो चलते हैं अब आगे। जो भी रहेगा, जो जो हम करेंगे सब दिखाएंगे आपको, तो कुछ भी मिस नहीं करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है मुझे ऐसा लगता है। होप कि सच में आए, तो लेट्स गो। पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह के इलाके में, तो आपका अभी सस्पेंस तोड़ते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं यहाँ पे क्लाउड कैंप एंड कैफे जंगल गली, तो जो कि यहाँ से है नियर अबाउट 16 to 17 kilometers। तो अभी बोर्ड दिखा तो मैं सोचा आपको बता दिया जाए। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, किसी ने अगर आना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे। यहाँ पे प्री बुकिंग रहती है, यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं सोचा कि पेड कर रहा हूँ, मैं कुछ पेड नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे मेरे खुद के पैसे लगे काफ़ी ज़्यादा। तो बस अब यहाँ से यार यहाँ का दिखाया होता है, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम थी कि रास्ता कटर की तरफ निकलता है वैष्णो देवी, क्योंकि वो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, वो वैष्णो देवी का पहाड़ है। तो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से देखते हैं कितनी देर में पहुँचे, क्योंकि काफ़ी हिल है, तो व्लॉग नहीं बना पाऊँगा वहाँ पहुँचे, बनाते हैं व्लॉग। तो चलो मिलते हैं वहाँ पर ही। चलते चलते हम इस रोड पे पहुँचे हैं, देखो कैसी कंजेस्टेड सी रोड है, और मुझे लग रहा है अभी 15 किलोमीटर ऐसे ही चलना पड़ेगा। अभी पता नहीं आगे का रास्ता कैसा रहेगा, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की उन्होंने कहा थोड़ा रास्ता ख़राब है एंडिंग के 2 किलोमीटर्स, तो पर अभी भी ये अभी से ही ख़राब होने शुरू हो चुका है। तो होप फॉर द बेस्ट कि अच्छे से पहुँच जाए वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या रहेगा गाइस, वहाँ पर ऐसा सीन रहेगा कि हम वहाँ पर ट्रैकिंग करेंगे। तो अभी जाते ही हमारा कोई कैंप 11:30 बजे का ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके हम ट्रैकिंग करेंगे 3.5 किलोमीटर तक। फिर उस वो बोलते हैं सरोली ट्रैक, जो कि हम आपको दिखाएंगे, तो वो 8000 ऑल्टीट्यूड के ऊपर है। तो वहाँ पे कैंप रहेगा, फिर वहाँ से इनका आज से लंच से लेके कल तक का लंच इनका ही है। तो वहाँ पे सारा खाना पीना, डांस, अपना लेज़र लाइट शो एंड बाकी बॉनफायर, और टेंट में रहना है साथ में, आई गेस स्लीपिंग बैग भी मिलेगा। तो देखते हैं आज क्या 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 इन्जॉय करते हैं, क्या क्या हम चीज़ें करते हैं, तो सब हम कवर करेंगे। कोशिश रहेगी कि हम छोटे छोटे ब्लॉग बनाएं ताकि आपको इन्जॉय कर पाओ, बोर नहीं हो। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में इसको मैं डाल दूँ। व्यू चेक करो, इतना सुकून मिल रहा है ना, इतना पीस है ना, बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग इन्जॉय मज़ा आ रहा है। और रोड और क्या करते, अब सोचो बारिश आ जाए अगर तो क्या हालत होती होगी। और यहाँ पे देखो आप, रुक के दिखाता हूँ मैं, देखो अभी यहाँ बारिश आती है। भैया ने मेरे को बोला था दुआ करना बारिश ना, नहीं तो बंदा ना समझ सकते हो बोलना नहीं जाता। मैं वो देखो कहाँ से आए हम, देखो आप कितना प्यारा व्यू है। तो गाइस पहले हम जाते हैं, फिर आप भी आना, ठीक है। पहले हम बताएंगे आपको, पूरा अच्छा रिव्यू देंगे यहाँ पे, बाकी भी ब्लॉगर्स ने वीडियोज़ बनाई है यहाँ पे, बट इन चीज़ों से बारिश में मानसून में बिल्कुल मत आना ना यहाँ पे, क्योंकि वही यहाँ पे पानी चलता रहता है, तो या चाय निकलती है उस टाइम, मिट्टी वाली चाय बनती है। तो वहाँ से हम देखो कहाँ से आए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं रोड, वो देखो वहाँ से आए हैं अभी, अभी पता नहीं कितना किलोमीटर और जाना है अभी आगे। तो लेट्स गो, थोड़ा सा बनाते हैं आगे का। तो गाइस हम पहुंच चुके कुछ इस तरह की जगह पे, और वो भाई हमारे एक ये पता नहीं दुकान है घर है पता नहीं, फिर टेम्परेरी जो भी है वहाँ से कुछ ले रहे हैं, क्योंकि पता चला यहाँ आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमने पहले सोचा था कि आगे से ले लेंगे, बट आगे कुछ भी नहीं है, और यहाँ सांस चढ़ रही है पता नहीं क्यों। अभी ऊपर चलना भी है तो पता नहीं क्या रहता है। तो देखो गाइस पीछे पूरी खाई खाई में दूर रहता हूँ, तो घर वाला से डांट पड़ेगी जब ब्लॉग देखेंगे वो मेरा। तो वो देखो नीचे रोड, वो बसें गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ से,
और हवा यहाँ पे काफ़ी फ्रेश हवा है, काफ़ी धीमी धीमी है, काफ़ी अच्छी हवा यहाँ पे। और यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है सुनने में आया, तो गर्मी काफ़ी है, बहुत गर्मी है और रास्ता बहुत ही ख़राब है। देखो यहाँ पे गाड़ी लगाई है हमने, तो अभी पता देखो कैसे कर्व्स है यहाँ पे, कुछ पसंद नहीं आया यहाँ से। तो अभी कह रहे हैं एक दुकान है ऊपर, उन्होंने कंफर्म किया, चलो ऊपर से ही लेते हैं। उन्होंने क्या लिया, चिंगम लिया तुमने? हाँ, तो भी इन्होंने चिंगम शिंगम लिए हैं, तो वही भी खाते हैं, ऊपर से ही ले लेंगे सामान सामग्रियाँ जो भी चाहिए हमें। लेट्स गो गाइस। माउंटेन ड्यू मिली नहीं, बेचती होगी थोड़ा डर क्या चीज है। चला जाए मैं थोड़ा सा रास्ता ऐसा है, बस अब 1.5 किलोमीटर रह गया। रोड देखो कितनी प्यारी रोड है, सारी रोड ही मुझे ऐसी लग रही है यार, ये रोड चेक करो आप। मेरा वैसे मन था बाइक पे आने का, बट चलो कोई ना, गाड़ी में अपना मजा, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बाइक पे आएंगे।